Hey guys, welcome back to my YouTube channel. कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे. सुबह सुबह तो भाई ऐसे ही बिजी होते हैं, एक साइड बन रही है चाय और एक साइड उभर रहा है दूध, एक साइड हो रहा है पानी गर्म. तो ऐसे ही चलता है हमारा रूटीन और किचन जो है पूरी फैली हुई मिल जाती है राइट एंड लेफ्ट, चारों तरफ ही तरफ. और मुझे कमेंट करके बताना अदरक वाली चाय किस किस को पसंद है. मुझे तो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मुझे अदरक वाली चाय ही पसंद है. चाय लवर्स. एंड मुझे इतनी ज़्यादा चाय की क्रेविंग तो नहीं है, बट देखो सुबह और शाम की चाय तो होनी चाहिए ना. तो यार क्या करें, देखिए यहाँ पे चाय बन रही है यमी सी और देखते हैं हम ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं. तो वीडियो में बने रहें और जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे. टन टन. सो गाइस, सबको चाय वगैरह देने के बाद अब नाश्ते की तैयारी मैंने कर ली है. तो मैं बना रही हूँ आज नाश्ते में पराठा घी वगैरह एकदम लगा के. आपको पता है सर्दियों में ना काफ़ी अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स आती है, मूली हो गई और मेथी हो गई, आलू हो गए. तो आप सबके पराठे बना सकते हो, बट मैंने आज बनाया है मूली का पराठा जो सबको पसंद है. और हम, मेरे हस्बैंड, मैं, अनिरुद्ध, हम तो मतलब डेली पराठा खा सकते हैं मॉर्निंग में, तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है. तो यहाँ पे देख सकते हो आप पराठा बन रहा है. नहीं तो आप मतलब सर्दियों में हम दही वगैरह तो जमाते हैं, बट हम चाय ही रेफर करते हैं क्योंकि ना चाय ही मज़ा आता है. बट अभी मैं सिर्फ अचार के साथ ही दूंगी, जो जैसे जैसे करके लेना चाहेगा. और आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा यमी सा पराठा बन के हो चुका है तैयार. तो हम लगाएंगे गर्म गर्म सब पराठा. और आप कमेंट करके बताना किस किस को पराठे खाने पसंद है. और देखिए, और आम का अचार जो मेरे फादर इन लॉ ने बनाया है बहुत अचार है गाइज. मुझे तो अचार वचार बनाने नहीं आते, बट मैं काफ़ी सीखती भी हूँ. बट एक बार में से ख़राब हो गया था तो फिर मैंने ट्राई नहीं किया. तो उसके बाद देखिए ये बन चुका है यमी सा और हेल्थी सा पराठा जो देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है. चलिए मैं नाश्ता करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ. और रहा नहीं जा रहा, फ्रूट खाने के बाद मैंने बनाई यमी से नमकीन राइस. तो उसमें भी मटर भर भर के ही डाले हैं क्योंकि देखो माँ बेटे का काम है खाना और बनाना राइट. जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पता होता है किस किस टाइम पे हमें क्या चीज़ खानी है और क्या चीज़ बनानी है. तो लंच वगैरह करने के बाद मैं आ चुकी थी मार्केट. और मार्केट में देखिए आप कितना ज़्यादा रश है, ओ माई गॉड. तो मैं क्यों आई थी मार्केट, क्योंकि देखो भाई सर्दियाँ हैं और अनिरुद्ध को डाइपर फ्री रखती हूँ मैं सुबह से लेकर मतलब शाम तक. तो उसमें अंदर पहनने के लिए चाहिए गर्म पजामे. तो मैं काफ़ी मार्केट में सोच रही थी यार महंगे लेके क्या ही होगा, मैं सस्ते से ढूंढने चल पड़ी थी. बट फिर भी मुझे सस्ते नहीं मिलेगा इस, क्योंकि बाहर जो ये सब कुछ दिखा रहे थे तो बिल्कुल बकवास ही था. तो काफ़ी भीड़ भी, मतलब कि भीड़ थी, कुछ था नहीं. क्योंकि देखा तो मैंने भी, बट मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे व्लॉगिंग कर रही हूँ तो लोग का रिएक्शन देखो, लोग मुझे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं पीछे पीछे. और फिर मैं थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया. फतेहाबाद के वासियों, आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए तो जल्दी से जल्दी चैनल में जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो. जिसने फतेहाबाद मार्केट नहीं देखी है उसे मैं दिखा देती हूँ. देखिए ये है हमारा प्यारा सा सुंदर सा फतेहाबाद शहर. क्या चीज है भैया? ये गिरनी है जी, गिरनी. ये गिरनी है बच्चों का गिरनी. अच्छा, कितने की थी? 20 रुपए गिरनी. दी, दी, दी. और आपके डॉगी? 180 दो डेढ़ सौ. देखो भाई अंकल 200-150 के दे रहे हैं. ओके, नहीं ये अच्छा लग रहा है. कौन सा दो? ट्रैफिक. यहाँ पर बैलीस थी और इन भैया की तरफ मैंने कैमरा मतलब फ़ोन किया तो ये हंसने लगे. कहते दीदी आप व्लॉगिंग करते हो? मैंने कहा हाँ करती हूँ, मैं कर रही हूँ व्लॉगिंग. मुझे ऐसी हंसी भी आने लगी.
तो मैंने इनके पास देखी बैलीज और स्लीपर्स जिसकी मुझे नीड नहीं थी, तो फिर भी देख ली। और घर आके खेला मैंने और अनिरुद्ध ने छुपना छुपाई। डुंडो डुंडो यही है हम लोगों का नॉर्मल डे। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट।